नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। हर रोज की तरह जैसे ही सुबह 9 बजे रावत बर्तन भंडार की दुकान खुली, इतने में ही जीएसटी की टीम के लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने उस दुकान और अन्य प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई शुरू कर दी और जीएसटी से संबंधित जांच देर शाम तक चलती रही। ज्वाइंट कमिश्नर गणेश कावरकर की अगुवाई में जबलपुर और सतना की टीमों के करीब 50 लोग यहां सर्चिंग कर रहे हैं। चौक बाजार स्थित दुकान, गल्ला मंडी स्थित घर, बाईपास स्थित गोदाम समेत 10 ठिकानों पर जीएसटी की टीम दस्तावेजों की पड़ताल कर रही थी। सेल टैक्स की चोरी के मामले में बुधवार की सुबह शुरू हुई सर्चिंग की कार्रवाई देर शाम तक चलती रही। हालांकि अभी तक कार्रवाई के बारे में जीएसटी विभाग ने कोई जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन कार्रवाई में शामिल टीम ने बताया कि कार्रवाई देर रात तक या अगले दिन भी चल सकती है। इसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर मामले की जानकारी मीडिया को देंगे। एक साथ कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई होने से व्यापारी भी भौंचक्के रह गए। इधर रावत बर्तन भंडार और उनके सहयोगी प्रतिष्ठानों पर जीएसटी टीम की कार्रवाई से अन्य व्यापारी भी दहशत में हैं। सूत्र बताते हैं कि खरीद बिक्री और स्टॉक की बारीकी से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि रावत बर्तन और रावत ज्वेलर्स नाम से छतरपुर शहर की पुरानी और प्राचीन फर्म द्वारा सेल टैक्स की चोरी के मामले में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। ये बर्तन निर्माता कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं बर्तन के और 4 ट्रेडर्स हैं। इनके ऊपर कार्रवाई हुई है, कुल 8 फर्मों पे कार्रवाई हुई और अभी कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई पूरा कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। अभी कार्रवाई लगभग चल ही रही है। सर, कौन से विभाग की ये रेड है और क्या नाम है प्रतिष्ठान का? ये अपना जीएसटी की रेड है, सतना एंटी इवेजन ब्यूरो से हम लोगों की 40 सदस्यों की टीम है पूरी। और आज लगभग 12 बजे कार्रवाई प्रारंभ हुई है और ये अपने 4 प्रतिष्ठान हैं, अवनी इंटरप्राइजेस, माँ बघराजन, इस तरह 4 यूनिट हैं और 4 ट्रेडर्स हैं जिनके ऊपर कार्रवाई। बर्तन निर्माण का है, पीतल के बर्तन और कुछ कांसे के भी हैं, लेकिन कांसे की संख्या कम है, और स्टील के बर्तन हैं। तो इनमें ये बर्तन निर्माण करते हैं और दूसरे में जो है 4 में वो ट्रेडिंग करते हैं।